वेलकम स्टूडेंट्स, कोर्स के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दर्शन की यानी फिलॉसफी की चर्चा करें। फिलॉसफी अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक भाषा फाइलोस तथा सोफी से मिलकर बनता है। फाइलोस का ग्रीक भाषा में अर्थ प्रेम है तथा सोफी का अर्थ विजडम यानी ज्ञान अथवा बुद्धि है। प्लेटो ने अपनी परिभाषा में कहा, ही हु हैज टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न एंड इज नेवर सेटिस्फाइड मे बी जस्टली टर्म्ड एज फिलोसोफर। अर्थात वो व्यक्ति जिसको ज्ञान के लिए अगाध प्रेम हो, जो सीखने के लिए तत्पर हो और कभी भी संतुष्ट ना हो, उस व्यक्ति को हम फिलोसोफर यानी दार्शनिक कह सकते हैं। अतः फिलॉसफी अर्थात दर्शन एक गहन चिंतन व मनन है जिसमें मनुष्य जीवन के रहस्यों को, सच्चाइयों को जानने के लिए उत्सुक होता है। इसमें मनुष्य ईश्वर, आत्मा, जीवन, मरण, स्वर्ग, नर्क, आत्माएं, ब्रह्मांड, प्रकृति और जितनी भी घटनाएं इस प्रकृति में घटती हैं उनकी सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक होता है। जर्मन दार्शनिक स्कोपेनहावर के शब्दों में कहा जाए तो जीवन के एक पड़ाव में हर एक व्यक्ति तत्वमीमांसी यानी फिलोसोफर होता है। आइए अब हम दर्शन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें। दर्शन समय, परिस्थिति व अनुभव के आधार पर विकसित होता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग मानव जीवन में दुखों के अवलोकन के बाद ही विकसित हुआ। वहीं अगर हम पूर्व काल में चर्चा करें तो चरवाक का भौतिकवादी सिद्धांत उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हुआ। महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में अहिंसा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। और अगर हम हिटलर की बात कहें, जो तानाशाही व अधिनायकवाद के लिए जाना जाता है, विश्व युद्ध के पश्चात तमाम ऐसे कारकों ने उसके इस दर्शन को जन्म दिया। दर्शन एवं विज्ञान में गहन संबंध है। दर्शन सत्य की खोज में किया गया एक चिंतन है, जबकि विज्ञान भी सत्य की खोज में किया गया एक चिंतन है। लेकिन विज्ञान प्रक्रियाबद्ध है, विज्ञान जीवन से संबंधित है, जबकि दर्शन अनुभवों से। दर्शन एवं विज्ञान से सत्य की सही तस्वीर आरेखित की जा सकती है। इस प्रकार दर्शन कुछ खास विशेषताओं के साथ शिक्षा का अभिन्न अंग है।